नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हिंदुस्तान के इतिहास में राजपूतों को उनके शौर्य और बहादुरी के लिए जाना गया है। कहा तो ये भी जाता है कि हिंदुस्तान में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूताना युग रहा है। राजपूत हमेशा से ही अपने अनूठे कामों के लिए जाने गए हैं, और अब एक बार फिर एक राजपूत परिवार के जरिए एक और अनूठी पहल की गई है, जो एक समाज सुधारक शुरुआत है। ये शुरुआत है दहेज की बेड़ियों में जकड़े इस समाज को आजाद करने की। आमतौर पर बेटियों के दहेज की बलि चढ़ने के मामले भी खूब सामने आते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि दहेज की इस प्रथा को खत्म करने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसकी पहल करने की कोशिश कोई नहीं करता। लेकिन इस मामले में पहल करते हुए राजस्थान के एक राजपूत परिवार ने मिसाल कायम की है। इस परिवार ने दहेज में मिले 31 लाख रुपए से भरे थाल को दुल्हन के परिवार को वापस लौटा दिया और हर किसी को दहेज की इस कुरीति को समाज से खत्म करने का संदेश दिया। ये समारोह राजस्थान के सिरोही जिले के गांव आमथला में हुआ। तो चलिए बताते हैं आपको इस अनूठी पहल का पूरा घटनाक्रम। जानकारी के अनुसार सिरोही जिले के गांव आमथला के देवड़ा परिवार के हनुमंत सिंह के बेटे बलवीर सिंह की सगाई जैसलमेर के फलसुंड पोखरण के जोधाड़ा परिवार के मोहन सिंह जोधा की बेटी से तय हुई। रविवार को दुल्हन पक्ष टीका लेकर आया था, तब दुल्हन के पिता ने दूल्हे बलवीर सिंह और उसके पिता हनुमंत सिंह को बतौर शगुन 31 लाख रुपए से भरा थाल दिया। इस पर दूल्हे और उसके पिता ने दुल्हन के पिता के सामने हाथ जोड़ लिए। दोनों के हाथ जोड़ते ही एक बारगी तो सबको लगा कि शायद दहेज की राशि कम होने के कारण हाथ जोड़े हैं। वहां मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था कि क्या 31 लाख की राशि कम है, लेकिन जब ये पता चला कि दूल्हे और उसके परिवार ने दहेज के 31 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया है, तो वहां मौजूद हर शख्स ने दूल्हे पक्ष की जमकर तारीफ की। जब इस बारे में बलवीर के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बेटे बलवीर सिंह के टीका दस्तूरी में फलसुंड से संबंधी टीका लेकर गांव आमथला आए। टीके की रस्मों के दौरान उन्होंने बतौर दहेज 31 लाख रुपए देना चाहा, तो मैंने और बेटे ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि बेटियां अनमोल हैं, इनका मोल नहीं लगाया जा सकता। आज 31 लाख दे रहे हैं, कल किसी को 51 लाख या 1 करोड़ देने पड़ेंगे। इस प्रथा का कोई अंत नहीं है। बेटियां दो घरों को सवारने वाली होती हैं, इसलिए दहेज जैसी कुरीति को बंद करने की पहल हमें खुद से ही करनी होगी। अगर सब हनुमंत सिंह की तरह सोचने लगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम दहेज की इस कुरीति की जड़ों को अपने समाज से उखाड़ फेंकेंगे। दूल्हे के पिता हनुमंत सिंह के अनुसार दहेज प्रथा के मामले में राजपूतों की भूमिका अग्रणी रही है। वो बताते हैं कि मैं और मेरी बेटी शुरू से ही इस प्रथा के खिलाफ हैं। मेरी बेटी ने मुझे सुझाव दिया था कि हम भाई की शादी में कोई दहेज नहीं लेंगे, और हमने किया भी बिल्कुल वैसा ही। हमने आज टीके में मिले 31 लाख रुपए लौटाकर शगुन के तौर पर सिर्फ 1100 रुपए लिए हैं। वैसे आपको बताते चलें कि हमारे देश में दहेज लेने और देने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन हमारी जनता इस कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं। पहले दहेज को दहेज के नाम से लेते और देते थे, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद इसका नाम बदल कर शगुन कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम नाम बदलते रहेंगे? अगर नाम न बदल कर एक बार अपनी सोच बदल कर देखें तो अपने समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्यों ना हम बलबीर सिंह और उनके पिता के जरिए की गई पहल को आगे बढ़ाएं? आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।